हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 24 में। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल का असाइनमेंट का आंसर। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम कक्षा 12वीं विषय जीव विज्ञान का आंसर की बात करेंगे और देखेंगे कि क्या आपको प्रश्न मिला है और आपको आंसर क्या लिखना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। स्टूडेंट्स, आपको हमारे चैनल पर आपके जो सारे असाइनमेंट हैं, सारे असाइनमेंट के आंसर मिल जाएंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जब भी हम आपके असाइनमेंट से संबंधित जो भी वीडियो अपडेट करते हैं उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और साथ ही बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पास क्या प्रश्न है आपके पास। पहला प्रश्न देखिए, एक जीवाणु कोशिका का स्वच्छ चित्र बनाइए। ठीक है, तो उसका कोशिका का स्वच्छ चित्र बनाना है। स्टूडेंट्स, आपको सारे असाइनमेंट के आंसर लिखने हैं, ये आपका जो पहला असाइनमेंट है, और आपको सारे असाइनमेंट A4 साइज का जो पेज होता है उसी में लिखना होगा। ठीक है, और साथ ही आपको सारे असाइनमेंट लिखने के बाद सभी असाइनमेंट के फ्रंट पेज लगाना है आपको, जिसमें सबसे पहले छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल लिखा होगा, फिर छात्र यानी स्टूडेंट्स नेम, फिर स्कूल नेम, ठीक है, मीन सेंटर जो आप जहां से आप दे रहे हैं पेपर वो होगा, और फिर क्लास, सब्जेक्ट। ठीक है, ये सभी चीज़ें आपको प्रिंट आउट करा लें, या तो आप अपने हाथ से भी लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, समसूत्री विभाजन और अर्ध सूत्री विभाजन में चार अंतर लिखना है। ये चार अंतर यहाँ दिए हुए हैं, तो आप यहाँ से लिखेंगे। स्टूडेंट्स, यदि आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, आपको आपके असाइनमेंट के सारे PDF वहाँ मिल जाएंगे। ठीक है, टेलीग्राम का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारे असाइनमेंट के वीडियो के लिंक दिए हुए हैं, तो आप जरूर एक बार देख लें। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक वर्णवाद को समझाइए। ठीक है, तो इसको आप लिखेंगे, और अगर कुछ वीडियो अभी आपको नहीं मिलते हैं तो 1 से 2 दिन में आपको पूरे वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न देख लीजिए, प्राकृतिक वर्णवाद को समझाइए, इसको लिखेंगे, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लें। ये देख लीजिए ना, नेक्स्ट पेज पर। फिर इसके बाद अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जीन चिकित्सा की चार सीमाएं लिखिए। ठीक है, तो इसके चार सीमाएं लिखना है आपको, उसे लिखेंगे। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित समूह के दो दो लक्षण लिखिए। ठीक है, किसका किसका लिखना है, टेरिडोफाइटा, फिर नीडेरिया, फिर आर्थोपोडा और उभयचर। ठीक है, तो यहाँ पर टेरिडोफाइटा का है कि इनका शरीर जड़, तना एवं पत्ती में विभाजित रहता है। दूसरा, इनमें पुष्प और बीज का निर्माण नहीं होता। ठीक है, और फिर इसके बाद निडेरिया है, और फिर आर्थोपोडा है। ठीक है, तो आप इसे लिखेंगे, सभी के दो दो पॉइंट लिखने हैं आपको। ओके स्टूडेंट्स, फिर उभयचर है, इसे भी आपको लिखना है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो में इतना ही। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक, और आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, थैंक यू।